हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपका मोस्ट वेलकम है प्रियंका के YouTube चैनल मिस प्रियंका फोर्जी फैमिली पर और सभी को प्रियंका का नमस्कार तो मैं जो ज्वेलिकल बनाई थी वो मैं वेयर करके आ गई हूँ मैंने आपसे बोला था मैं वेयर करके आऊंगी तो ये देखिए वो ज्वेल से एंड मैंने इयर नहीं बनाए थे तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए ये देखिए और ये रिंग भी और जो मैंने ये बैंगल वेयर किए हैं ये भी मैंने बनाए हैं बट इनका वीडियो तीन महीने पहले डाला हुआ है तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे तो प्लीज वॉच जरूर करिएगा और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है कितनी ट्रेडिशनल कितना सुंदर और अपने हाथ की बनाई ज्वेलरी का मजा ही कुछ और है। जब आप बनाएंगे और वेयर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और ये देखिए कितनी सुंदर भी बन के आती है तो ज्वेलरी आपके सामने है और ये कितनी सुंदर ज्वेलरी बन के तैयार हुई है और ये बहुत ही प्यारी है ये सिर्फ मैं नहीं कह रही आपको भी दिख रहा होगा फ्रेंड से तो अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप देख रहे हो कैसी बनी है और अगर आपको ये सच में पसंद आती है तो विदाउट लाइक से सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा तो ये देखिए हम लेंगे क्ले तो हम सारी ज्वेलरी क्ले से बनाएंगे तो हम क्ले से बनाएंगे पिकॉक का सेफ तो छोटा सा पिकॉक बनाऊंगी क्योंकि मैं पेंडल पहले ही बना चुकी हूँ अब मैं बनाऊंगी इयरिंग्स तो ईयरिंग्स में पिकॉक का साइज़ छोटा होना चाहिए तो बस छोटा सा पिकॉक बना लेंगे से और सारी चीजें हाथ से बनानी है मोल्ड से बिल्कुल नहीं बनाई मैंने तो पिकॉक का सेफ बना लेते हैं एंड इसको डिजाइन देने के बाद हमारे पास ये साइड पे रखा हुआ है मिरर जैसा एक बड़ा सा सितारा है तो इससे थोड़ा छोटा ऐसे ही हम चपटा सा एक छोटा सा रोटी जैसा बना लेंगे ऐसे ऐसे बना लेना है और मैं ये सितारे के ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर हमने रख दिया पिकॉक तो पिकॉक थोड़ी देर के लिए ड्राई हो गया था करीब पंद्रह मिनट में थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो मैं लगाऊंगी फेविकोल एंड जो मैंने ये सेब दिया है रोटी का तो उसके ऊपर हम जो ये बिंदी का सेब है बड़ा सा इसके ऊपर हम रखेंगे पिकॉक और उसके नीचे लगाएंगे फेविकोल अब हल्के हाथों से पुश करेंगे तो पिकॉक बहुत अच्छे से सेट से हो जाएगा और उस पर फिक्स फिक्स हो जाएगा तो अब हम कुछ बची हुई क्ले का छोटा सा डिज़ाइन बना लेंगे कुछ हम पैच बना लेंगे जो इसमें भी यूज जा सकते हैं और दूसरे में भी तो हम पिकॉक के नीचे ये लगा सकते हैं अब हम छोटी छोटी जो है बिल्कुल छोटी छोटी सी एकदम से जैसे कि तिल होता है ना चपटा और ऊपर से नुकीला तो ऐसे ही बना लेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा तिल से हल्का ही तो छोटी छोटी लीप जैसी बना लेनी है जिससे हम इयर की पिकाक पिका जो बनाए हैं तो उसके हम पंख बनाएंगे मतलब कि पंख का डिज़ाइन देंगे पीस खूब सारी बना लेनी है और इसके बाद हमें इसे ड्राई होने देना है थोड़ा ड्राई होने के बाद जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा पुश कर सकते हैं इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी वो बहुत ही फिट बैठ जाएगा तो नीचे लगाना है फेविकोल इसके बाद सारी जो बिंदिया बनाई हैं छोटी छोटी से सारी लगा देनी है एंड ड्राई होने के लिए रख देना है दस मिनट के लिए तो देखिए सारा बन गया है तो देखिए जो मैंने ये पैच बनाए हैं तो आप इस तरह एयर में सेट कर सकते हैं एंड ये है रिंग हाथ की जो मैंने उंगली के ऊपर रखी हुई है तो इसको छल्ले में मैं सेट करूँगी और इसको ब्लू कलर करूँगी ये देखिए तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ पिकॉक तो अभी हम लेंगे ग्लूगन और लगाएंगे छल्ले छले और ईयर में जो डालने वाले कान में हुक हैं वो भी लगाएंगे एंड सभी को सेट कर लेना है अच्छे से तो अब हम कलर कर लेंगे पिकॉक को ब्लू और ग्रीन कर लेंगे तो दोनों पिकॉक को ऐसे ही करना है और जो हमने रिंग बनाई है उसको भी ब्लू कलर कर लूँगी अब ये छल्ला मैंने लिया है छल्ले को तोड़ लेना है ये है चाबी का छल्ला तो उंगली के साइज का तोड़ लिया है एंड मैं जो ब्लू कलर की हुई रिंग का पिकॉक है उसे इसमें मैं सेट कर दूंगी ग्लू गन से एंड सारे पिकॉक को डिज़ाइन बना लेनी है और कलर कर लेना है कुछ स्टोन लगा देना है ईयर और रिंग्स सभी को तो ये देखिए रिंग्स को डेकोरेट कर लिया एंड जो कान के एयरिंग्स हैं उनको भी नंग और कलर से डेकोरेट कर लिया और ये बन के तैयार है फाइनल लुक तो ये देखिए कितना सुंदर पैंडल है एंड इयर रिंग्स भी कितनी सुंदर हैं आपने देखी भी हैं तो अगर आपको पसंद आते हैं वाकई सच में पसंद आते हैं सो so प्लीज़ ऐसे मत जाइएगा विदाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब किए तो जाते जाते एक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया और खूब सारा शेयर अपने पहचान वालों को ज़रूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाय बाय